हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? चलिए, काफ़ी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं और आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सोशियोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक समझते हैं हम लोग, सोशल ग्रुप। अब जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे होंगे वो कन्फ्यूज हो रहे होंगे, सर आप तो थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहे थे, अब ये बीच में सोशियोलॉजी कहाँ से आ गया? तो देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कल मुझे इन्फॉर्म करा कि सर जो अजीत सर पढ़ाए हैं सोशियोलॉजी, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि छूट गए हैं, उसको आप कवर करवा दीजिए, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो मैंने सोचा कि साथ में जो इनको छूट गया है टॉपिक वो भी कवर करवा दूंगा और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस भी आपके रुकेंगे नहीं, उनके भी वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, हमारा एक गोल है कि हमको आपको सारे सेमेस्टर के वीडियो प्रोवाइड करवाने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लेंगे, साथ में आपके लिए जितना हो सकता है हम लोग मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो सिर्फ आपको सपोर्ट करना है हम लोगों को, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सोशल ग्रुप। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको यहाँ पे रटना नहीं है, या रटने बैठोगे ना तो आपको याद भी नहीं होगा और काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपको लिखने में, बट यदि आप चीज़ों को समझ लोगे तो खुद के लैंग्वेज में भी लिख दोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि हमको समझे और उसको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, है ना। जो मैं बताऊंगा उसको आप बहुत तरह से लिख सकते हो, यदि आप सोशल ग्रुप का डेफिनेशन ही देखोगे तो वो बहुत तरह का आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है सोशल ग्रुप का। तो देखिए, सोशल ग्रुप का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बोलता है इट कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर पर्सन हु कम टूगेदर। देखिए, ग्रुप कभी भी आप अकेला नहीं बना सकते हो, ग्रुप बनाने के लिए एटलीस्ट दो इंसान की आवश्यकता पड़ती है या दो से ज़्यादा इंसान की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, तो सोशल ग्रुप कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं और मिल के ग्रुप बनाते हैं, जिस ग्रुप का मोटिव ये होता है टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, एक किसी कॉमन गोल को अचीव करना, बट मैं आपको बता दूं कि ये इनका ऑब्जेक्टिव केवल गोल को अचीव करना नहीं होता है। यदि आप देखे होंगे तो आपके पापा जब शाम में ऑफिस से आते हैं तो जब वो बैठे होंगे तो गांव के कुछ लोग आपस मिलने के लिए आ जाते हैं और वो मिल के कुछ पॉलिटिकल इशू हो गया, रिलीजियस इशू हो गया या अपने फैमिली इशू हो गया, ये बैठ के आपस में ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दिस इज ऑल्सो एक सोशल ग्रुप। इनका कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, कोई गोल तो नहीं था कि हमको इस काम के लिए हम लोग मिले हैं, बट ये आपस में क्या करते हैं, मिलकर बातें करते हैं, ये भी एक सोशल ग्रुप है। आप अपने दोस्तों से मिलते हो वो भी एक सोशल ग्रुप है ना। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्यों बताया गया कि ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक कॉमन गोल को अचीव करना। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में क्या हुआ था कि जो सरकार थी वो उन्होंने क्या करा, अलग अलग ग्रुप बनाया, कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि सफाई के लिए काम कर रहे थे, सैनिटाइजर कर रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसे कर्मचारी थे या कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि सफाई में लगे हुए थे, कुछ ऐसे थे जो कि आपके हेल्थ केयर में लगे हुए थे, कुछ ऐसे थे जो कि वैक्सीनेशन करवाने में लगे हुए थे, है ना। तो अलग अलग ग्रुप थे जिनका मोटिव एक था कि हमको कोरोना से छुटकारा पाना है। तो दिस इज ऑल्सो अ सोशल ग्रुप। आई होप सो समझ आया होगा सोशल ग्रुप क्या है। नहीं समझ आया है तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, उसके बाद तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बट आपको आज सोशल ग्रुप अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए, होप सो आपने ये देखा होगा कि यदि आप इस शो को देखते होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, मैं तो देखता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखे होंगे आप, जब सब शाम में क्या होता है, अपने जॉब से आते हैं तो शाम में इन्होंने क्या करना है कि अब्दुल के शॉप पे क्या करते हैं, लोग मिल के बैठते हैं, सोडा पीते हैं और कोई बातें आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का ग्रुप है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वुमेंस मिल के क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दिस ऑल्सो एक सोशल ग्रुप। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मिलके किसी एक गोल के लिए काम करेंगे, तो ये भी क्या है, सोशल ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग सोशल ग्रुप का डेफिनेशन दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैरी एम जॉनसन, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। तो सोशल ग्रुप क्या है, एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि सोशली जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी टॉपिक पे बातें करते हैं, आपस में हैप्पीनेस बांटते हैं। ठीक है, तो ये कहना था हैरी एम जॉनसन का कि सोशल ग्रुप एक सिस्टम है जिसमें लोग आपस में सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्शल जोन्स का क्या कहना था, सोशल ग्रुप इज टू और मोर पीपल बिटवीन हुम देयर
इज एन एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इनका बोलना यह था कि सोशल ग्रुप का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं और मिलके एक किसी पैटर्न को डेवलप करते हैं आपस में। जैसे कि मान के चलिए कि आप जो है अपने दोस्तों से मिले, आईपीएल का सीजन आने वाला है, तो आप मिलके बातें कर रहे हैं, यार इस बार हमने ड्रीम इलेवन पे इतना लगाया था और मेरा पैसा चला गया, कोई और बोलेगा कि मेरे को इतना पैसा आया। तो पैटर्न क्या डेवलप हुआ कि आपने मिलके क्रिकेट के बारे में बातें करना स्टार्ट करी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पापा लोग होंगे और मिलकर पॉलिटिकल इशू पे डिस्कस करते होंगे, तो उनका पैटर्न क्या हो गया, पॉलिटिकल इशू। ठीक है, तो ये कहना था मार्शल जोन्स का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आरएम मैकलवर एंड पेज जो कि अलग अलग साइंटिस्ट थे, इनका क्या कहना था। इनका कहना था सोशल ग्रुप एज एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु और ब्रॉट इन टू ह्यूमन रिलेशनशिप विथ अनदर। देखिए, आपको जैसे मान के चलिए आप जो है अपने दोस्त जो आपके करीबी दोस्त है उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आया और आपके बातों को सुनकर आप में इंटरेस्ट लिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपका रिलेशनशिप उन लोगों से और भी जो पर्सन थे उससे बना। ठीक है, तो ये भी क्या बोलता है कि सोशल ग्रुप जो है वो एक ह्यूमन बींग का कलेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है ऑबगम और नॉम कॉफ जो कि सोशियोलॉजिस्ट थे, इनका क्या कहना था। वेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल कम टूगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अदर दे मे बी सेड कॉन्स्टिट्यूट टू अ सोशल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सोशल ग्रुप में क्या होता है कि जो भी दो या दो से अधिक लोग होते हैं वो आपस में मिल के सुख दुख, अपना हैप्पीनेस, अपना जो भी मोमेंट होगा उसको शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस मिलता है, कुछ सीख मिलता है, कुछ समझने को मौका मिलता है। ठीक है, यदि आप भी अपने पापा लोग के ग्रुप में बैठे होंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी गलत है, है ना। तो ज़्यादातर जो हम आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वो पॉलिटिकल इशू पर ही बातें करेंगे, है ना, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें समझने का मौका मिलेगा। नो, यदि हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, क्रैटेस्टिक्स क्या होता है सोशल ग्रुप का, तो सबसे पहले बोलता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सोशल ग्रुप आप अकेला नहीं बना सकते, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे जो है आप खुद से नहीं बना सकते। यदि आप कॉलेज का जो डीन होगा वो खुद से ग्रुप नहीं बना सकता, उसके लिए टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे जिससे ग्रुप बनेगा। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो वहाँ पे डॉक्टर खुद से नहीं बना सकता, डॉक्टर नर्स प्लस जो आपके पेशेंट्स होंगे वो सब मिलके क्या करेंगे, आपस में एक सोशल ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको दो या दो से अधिक पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। नाउ सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अट्रैक्शन अमंग मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग हैं वो अपना अपना अलग अलग बैठे हुए, ग्रुप तो बना लिए लेकिन अलग अलग बैठे हुए हैं, बट इसको ग्रुप हम नहीं बोल सकते। इंट्रैक्शन का मतलब कहने का ये सेंस है कि वो जो मेंबर आपने बनाए हैं ग्रुप में वो आपस में इंटरेक्ट करें, किसी टॉपिक पे बात करें, किसी गोल के लिए बात करें, तो ये भी होना चाहिए सोशल ग्रुप में। थर्ड है आपका म्यूचुअल अवेयरनेस। अब ऐसा नहीं, ये देखिए सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूँ, ठीक है, आप हमसे बात कर रहे हो, तो हम क्या है उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस है। हम ऐसा नहीं कि भाई निठल्ले पड़े हुए हैं और आप हमसे ग्रुप बना दोगे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे कि आप देखे होंगे यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या डाल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने मुझे, आप अवेयर थे तो आपने मुझे इन्फॉर्म करा, सर आपका ये टॉपिक छूट गया, आप पढ़ा दीजिए। दैट मीन्स कि आप क्या है, अवेयरनेस है, और आपसे और हमसे मिलकर क्या हुआ है, ग्रुप बनाओ और मिलकर हम लोग क्या किए, डिसाइड किए कि भाई हमको इस टॉपिक को कवर करवाना है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, सोशल ग्रुप का करैक्टरिस्टिक्स होता है। फोर होता है आपका सिमिलर बिहेवियर। देखिए बिहेवियर भी सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि कुछ आते ही पैसा कमाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि गरीब होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि देखने में अच्छे नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि काफ़ी अच्छा दिखते होंगे। तो यहाँ पे ये सब मैटर नहीं करता, जो इंसान है जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। अमीर वाला एटीट्यूड यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रुप है तो आप लोग एक जैसा बिहेव कीजिए। आप कभी ऐसा देखे होंगे क्या कि क्लास में जो टीचर है वो गरीब को अलग बैठाता है, अमीर को अलग बैठाता है, ऐसा नहीं है, सब एक साथ मिलकर बैठते हैं, सब एक साथ बातें करते हैं। जो डॉक्टर होता है कभी भी जाति पाति वो सब नहीं देखता है, आपका ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा, एक समान है ना,
तो ये भी क्या है, एक सोशल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स है। नो बात करें अगला, सोशल ग्रुप और डायनेमिक, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। सपोज मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक ग्रुप है ठीक है, उस ग्रुप में एक ओल्ड पर्सन भी होंगे। सपोज किसी वजह से एक ओल्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो क्या ग्रुप में मेंबर तो ऑफकोर्स कम होगा, लेकिन जब मेंबर कम हुआ तो क्या दूसरा मेंबर आप नहीं जोड़ सकते? ऑफकोर्स जोड़ सकते हो दूसरा मेंबर, तो कभी भी सोशल ग्रुप एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता है। आपकी मन अगर चाहो तो ग्रुप को छोड़ भी सकते हो, चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सोशल ग्रुप आर डायनेमिक, इट्स नेवर स्टैटिक, कभी भी ये स्टैटिक नहीं होता है ठीक है। तो होप सो गाइस, इतना ही आज के सेशन में हम लोग समझे सोशल ग्रुप क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट या कौन से सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है सोशल ग्रुप के ऊपर, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे डिफाइन सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप का आप डेफिनेशन लिखोगे, साथ में जो दो तीन सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन थे ना वो भी इंक्लूड कर दोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो उसको इंक्लूड कर देना ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप बता देना ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद के इसके दो पार्ट आएंगे, तो पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली मैं इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा चला जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो इसका ड्यूरेशन लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग इसको पढ़ाना है ठीक है। तो होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रटना नहीं है समझना है। और इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, हम सब इंटरेक्ट कीजिए। आज का टॉपिक आपने पढ़ा ना कि इंटरेक्ट करोगे तो ही बेनिफिट होगा ठीक है, म्यूचुअल अवेयरनेस होना ही चाहिए। तो होप सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मज़ा आया होगा।